हेलो गाइस, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बेसन की खंडैया। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो आप ये बेसन से ये खंडैया झटपट बना सकते हो। इसे आप रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हो। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। चलिए बिस्मिल्लाह करके अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पर गन चढ़ा दिया। इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे और इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें मैं एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला। अब ये धनिया पत्ती डाल दूंगी। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डालूंगी। अब इसमें मैं आधा कटोरी बेसन डालूंगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट तक इसको हम ढक के रख देते हैं। इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल डालना हम भूल गए थे। तेल डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। देखो ये अच्छे से पक गई है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया है। ये थाली में हमने चारों तरफ से देखो तेल लगा लिया है। अब इसमें निकाल के हम इसको जमा लेंगे। अब इसको हमने थाली में देख लिया, अच्छे से जमा लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडी जगह में रख देते हैं, जब तक हम इसका मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। अब यही गंज में हम मसाला भून लेते हैं। इसमें हम डालेंगे तेल आधा कटोरी, अगर तेल हो गया इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। अब ये ज़ीरा हो गया, ये देखिए इसमें प्याज है, अदरक लहसुन इसका मसाला है, उसको डाल देंगे। ये मसाले को हमने अच्छे से पोंछ के डाल दिया है। अब इसको थोड़ा भून लेंगे हम। भूनते टाइम इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। कम से कम 10-15 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। देखिए मसाला भूनते भूनते हमको 10 मिनट हो गए हैं। ये मसाला देखो कितने अच्छे से भून गया है। इसमें भी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको भी हम अच्छे से 5 मिनट तक भून लेते हैं। अब देखिए 5 मिनट हो गया, ये भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। ये 3 टमाटर बड़े ली थी मैंने, इसको मैंने पीस ली थी। अब इसको डाल देंगे। अब टमाटर डाल के भी हम अच्छे से इसको भूनेंगे। कम से कम 10-15 मिनट तक इसको भी अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला भून रहा है, जब तक इसको हम काट लेते हैं। देखिए इसको हमने काट लिया है, ये देखो ऐसा काटा हमने। देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, 2 गिलास डालेंगे पानी। अब इसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं। ये हम 2-3 खड़ी मिर्ची डाल देते हैं ऊपर से।
ये कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश कर लेते हैं, कसूरी मेथी डाल लेते हैं इसमें, अब आधा चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं, अब ये जो पीस काट के रखे थे हम इसको डाल देते हैं। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट पका लेंगे, फिर उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब एक कटोरे में इसे हम निकाल लेते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी हमारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पूरा वीडियो देख के कमेंट करके बताना आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं गाइस एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय गाइज़।